भूले नहीं हो तो बताओ, एडिनल मेडुला सेंटर पार्ट है? सेंटर पार्ट ऑफ एडिनल ग्लैंड, वेरी गुड। बस तुम्हारे बाल कटने का टाइम जितना नजदीक आ रहा, तुम्हारे ऐसे दौरे पड़ते रहेंगे। एडिनल सेंटर पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड इज नोन एज एडिनल मेडुला। याद रखना, एंडोडर्मल की एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल और दो बढ़िया हार्मोन निकल रहे हैं जो एक्चुअली नर्वस सिस्टम के हार्मोन है। इन दो बढ़िया हार्मोन के नाम है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। एक ही बात है दोनों का। और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रेनालिन, ऑल्सो नोन एज नॉर एपिनेफ्रिन। मैंने आज तक एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी सिवाय इस चैप्टर के, जानते हो? क्योंकि एक एक लाइन ऐसी लिखी कि तुम्हारे हाथ से कब जाएगी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी, कब जाएगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो याद रखना, एड्रेनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन का नॉरएपिनेफ्रिन। एंड नाउ अब मैं शब्द यूज कर रहा हूं, वो था लाइफ सेविंग हार्मोन। बोलो क्या थे? एंड दीज आर इमरजेंसी हार्मोन और द हार्मोन ऑफ इमरजेंसी, हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी। ये इमरजेंसी कंडीशन में निकलने वाले हार्मोन है और मैं अगर इनके फंक्शन पढ़ाने लगा तो तुम रट्टा मारोगे। चलो मैं इनके फंक्शन एक दुर्घटना के साथ दिखाता हूं। एक गली से जा रहे थे तुम, अचानक एक भयानक कुत्ता सामने आ गया और जो तुम्हें मालूम है आज काट के छोड़ने वाला नहीं, काटेगा ही काटेगा, और तुम इससे बहुत डरते हो। अब जब तुमने उस कुत्ते को देखा, कुत्ते ने तुमको देखा, उसने पोजीशन ली, अब जो जो तुम्हारी बॉडी में हो रहा है वो ये दोनों हार्मोन कर रहे हैं। क्योंकि ये समस्या सोने की कि इमरजेंसी की? इमरजेंसी। कुत्ता तुम्हें देख रहा, तुम कुत्ते को देख रहे हो और तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ रही, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देंगे। मैं देखो धीरे धीरे देख रहा हूं कि तुमको क्या क्या आ रहा। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन घटा कि बढ़ा गया? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, इसके अलावा हार्ट रेट भी बढ़ेगा। बोले दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों तो एक ही बात है ना। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हार्ट जोर जोर से डीप डीप धड़केगा, धक 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 धक, इट इज रेट। जब तुम्हें अपने हार्ट की आवाज कान में सुनाई पड़ने लगे, समझ लो इमरजेंसी है। कभी हुआ है ऐसा? जब तुम दौड़े हो, दौड़ने के बाद रुके हो, तो दिल की धड़कन कहां से कहां पड़ रही? कान में। एंड दैट इज नोन एज पाल्पिटेशन। बोलो क्या? पाल्पिटेशन। जब दिल की धड़कन कान में अपने आप सुनाई पड़ने लगे बिना स्टेथोस्कोप के, तो आपको क्या है? पाल्पिटेशन। याद रखना, हार्ट रेट घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। हार्ट कॉन्ट्रेक्शन भी बढ़ गए, रेस्पायरेटरी रेट भी बढ़ गए। अक्सर ऐसा होता है जब मैं कुछ गर्ल्स को खड़ा करता हूं, क्वेश्चन बताओ, आप उनका देखने लायक चेहरा होता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, पैर कांपते हैं। याद रखना, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, पाल्पिटेशन बढ़ते हैं, रेस्पायरेटरी रेट भी बढ़ता है, सांस लेने की रफ्तार भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन का मतलब रोंगटे खड़े होने लगते हैं। पाइलो इरेक्शन, इतना डर जाते हैं आप कि बेटा रोंगटे खड़े होने लगते हैं, पाइलो इरेक्शन। प्यूपिल का डायलेशन, भय से आंखें चौड़ी, प्यूपिल डायलेशन। व्हाट इज प्यूपिल? आंख नहीं, आंख की पुतली। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, अंदर वाली जो काला वाला स्पॉट है उसके अंदर का जो सेंटर स्पॉट है वो छोटा कि बड़ा? बड़ा। क्यों? क्योंकि बेटा प्यूपिलरी डायलेशन होने लगता है और प्यूपिलरी डायलेशन होने का वजह है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोलो सिंपैथेटिक, क्योंकि एडिनल ग्लैंड एडिनल एड्रेनालिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्मोन है। प्रतीक यार, तुम किसी दिन मेरे हाथ से बहुत मार खाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, मैं बता रहा हूं। अगर मेरा मूड खराब हुआ तो तुम इतने गंदे बच्चे हो कि मोबाइल लेकर के बात करते हो, बाहर जाइए। हार्ट कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा, हार्ट रेट, पाल्पिटेशन, रेस्पिरेटरी रेट,
पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो रहे और प्यूपिल डायलेशन, आपका प्यूपिल डायलेट हो रहा और स्वेटिंग होना तो कांस्टेंट फीचर है, पसीना निकलेगा। याद रखना ऐसी सिचुएशन आपको तीन कंडीशन में डालती है कि अब आप कुत्ते को देखकर तीन काम कर सकते हो, या तो आप भाग सकते हो, फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ोगे नहीं भागोगे। सर मैंने फ्लाइट ली, कुत्ते को देखा फ्लाइट ली निकल लिया, कौन फ्लाइट ली? एयर इंडिया। फ्लाइट का मतलब भागना। या तो फ्राइट, ना भाग रहे हो ना लड़ रहे हो, वहीं कांप रहे हो भाई अम्मा, अब क्या होगा, हाथ पर कांप रहे, इट इज फ्लाइट, इट इज फ्राइट। और या तुमने कहा कि आज तू नहीं आ जा, तुमने उठाया डंडा पत्थर और कुत्ते ने कहा घाव, तुमने कहा हाँ, इट इज नोन एज फ्लाइट। And that's why this hormone is known as 3F hormone. बोलो, पहला F, fly, fry, fight. ऐसा अक्सर होता है। एक मेरी स्टूडेंट थी, वो अक्सर जब न्यू लाइट से निकले, कोचिंग से निकल के जाए हॉस्टल, तो उसके पीछे एक बंदा, एक गंदा बच्चा रोज उसका पीछा करता था। आज भी करते हैं, लोग मानते नहीं कितना भी बोलो। अब वो एक दिन बहुत दुखी, उसने मुझसे पूछा क्या करें सर। हमने कहा बेटा ठीक है तुम मुझे बता देना, वैसे समस्या तुम्हारी है, तुमको ही सॉल्व, तुमको ही लड़ना चाहिए। उसने कहा ठीक है सर। उसने बैग में रखे दो बड़े बड़े पत्थर, रोज वो डरती थी, फ्राइट, रोज वो भाग जाती थी, इन कुत्तों से कौन लड़े। उसने कहा आज या तो तू नहीं। उसने उठाया पत्थर, बोला आ आ, वो कह रहा बहन जी मैं तो इधर ही से जाता, आपको गलत फहमी हुई है। बोले मुझे सारी फहमी मालूम है कौन हो रही है। और उस दिन के बाद से खत्म, मतलब उन तीनों सिचुएशन में कौन सा हार्मोन ऐड कर। जब हमारे जवान दूसरी सेना को देखते होंगे, बताओ क्या करते हैं, फ्लाइट फ्राइट की फाइट। बोले आ भाई आज या तो तू नहीं या तो मैं, और उस समय पर कौन सा हार्मोन ऐड कर। एंड्रेनालिन हार्मोन का एक कांस्टेंट फीचर है, मैं लिख रहा हूं हंसिएगा मत, जब भी ये हार्मोन निकलेगा आपको, चाहे कितना भी आपने अभी भी पेशाब की हो, तुरंत लगेगी फिर से मैक्चुरेशन, इट्स अ कांस्टेंट सिम्टम। और इसीलिए जैसे ही एग्जाम हॉल में एंट्री करने जाते, तुम दूसरे दोस्त से कहते हो भाई एक बार, जस्ट बिकॉज ये आपके वैसो डायलेशन को बढ़ा देता है, किडनी में यूरिन फॉर्मेशन को, यूरिनरी ब्लैडर को कांटेक्ट करता है, और यूरिनरी ब्लैडर कांटेक्ट करने की वजह से आपको सेंस होता है कि यार यूरिन आया है। बल्कि वहां जाकर होता कुछ नहीं है, पर आप खड़े रहते हो, आपको लगता है बड़ा गड़बड़ हो गया। सी ये सारे, शांत रहो, मजाक है लेकिन बहुत ध्यान से सुनो। बोलो क्या होगा, स्वेटिंग, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट रेट इनकी, पैल्पिटेशन, रेस्पायरेटरी, पाइलो इरेक्शन, प्यूपिल डायरेक्शन, एंड दिस द हार्मोन ऑफ फ्लाइट फ्राइट फाइट, एंड दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। फिर से बोलो इमरजेंसी, जाना हो तो निकल जाओ, घबराओ मत। आगे सुनो, यही वो हार्मोन है, याद रखना दिस इज द हार्मोन, यही वो हार्मोन है जो हाइपर ग्लाइसीमिया करेगा। अब बच्चा मुझे हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होता है लिखना नहीं चाहिए, तुम बता दोगे? बताओ, ग्लूकोज में, ग्लूकोज का ब्लड में लेवल घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। अब अगर मैं तीन शब्द लिखूंगा तो डर जाओगे। बोलो ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल कोई दिक्कत, यही तो कॉर्टिसोल भी करता था। इसके अलावा लाइपोलिसिस, फिर से बोलो, व्हाट इज लाइपोलिसिस, फैट। और इसके अलावा प्रोटियोलिसिस, व्हाट इज प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन का टूटना। बताओ आपका ब्लड में ग्लूकोज घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। पेज नंबर 336, एवरीवन, एडिनल मेडुला सिक्रीट टू हार्मोन कॉल एडनलिन और एपिनेफ्रिन, एंड नॉर एडनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन।
दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैचेकोलामिन। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कैचेकोलामिन। ये शब्द याद रखिएगा, कैचेकोलामिन। एडनलिन एंड नॉन एडनलिन को मिलाकर बोलते हैं कैचेकोलामिन। आगे सुनो, rapidly secreted in response to stress and any kind and during emergency situation and called as emergency hormone or the hormone of fight or flight. Isme teesra f jodo, fight, fright or flight. What is fight? Ladna, fright, darna, flight, bhagna. Okay, ya to bhagoge ya to ladoge. These hormone increase alertness, pupillary dilation, pyloerection. What is pyloerection? Sweating. Both hormone increase heartbeat, strength of heart contraction and rate of respiration. Catecholamine also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in increased concentration of glucose in blood. In addition, they also stimulate the breakdown of lipid and protein. देखिए, एक शब्द आपको मैंने नहीं लिखा, वो मुझसे छूट गया, गलती है मेरी। बोलो, पहले बोलो, ये क्या लिखा? ये क्या लिखा है? ग्लूकोनियोजेनेस होगी। बताओ ये क्या लिखा? लाइपोलिसिस, ये भी होगा। ये क्या लिखा? प्रोटियोलिसिस। पक्का? ये एक और तरीके से ग्लूकोज बढ़ा सकता है। एवरीवन, आप सबने सुना होगा स्टार्च, मैंने पढ़ाया था, याद है? किसी को नहीं याद है? बोलो, स्टार्च याद है? स्टार्च किससे बनता है? मोनोमर की पॉलीमर। जैसा स्टार्च होता है वैसा ही होता है ग्लाइकोजन। बोलो क्या? एंड दिस इज नोन एज एनिमल स्टार्च। फिर से बोलो, एनिमल स्टार्च। अच्छा बताओ, अगर ये एनिमल स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो बताओ किसका बना है? अगर ग्लाइकोजन टूटे, क्या टूटे? ग्लाइकोजन। फिर से बोलो, तो जिससे बना है वही बनेंगे। ग्लाइकोजन किससे बना है? स्टार्च, ग्लूकोज से। तो बताओ, ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा। तो ग्लूकोज बढ़ाने के दो तरीके, नाम बताओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। ग्लाइकोजन बच रहा है, बन रहा है कि टूट रहा है? टूट रहा है। शायद तुम ना संभाल पाओ, इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूं। दिस इज नोन एज ग्लाइकोजन। देखो, ग्लाइकोजन क्या लिखा, फिर ओ लगा दिया, ग्लाइकोजेनो एंड नाउ लेसिस। व्हाट इज लेसिस? ब्रेकडाउन। पूरा पढ़ो, ग्लाइकोजेनो। व्हाट इज ग्लाइकोजेनोलिसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। बताओ, कॉर्टिसोल ग्लाइकोजेनोलिसिस करते थे कि नहीं? नहीं। क्या करते थे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये क्या करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, दैट आई गारंटीड। इसके अलावा लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलिसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजेनोलिसिस? ग्लाइकोजन का टूटना, किसमें? ग्लूकोज। एक ग्लैंड पढ़ाते पढ़ाते ये हालत हो गई। और 8:30 के पहले हिलना नहीं है, किसी को कुछ भी लग रहा हो अभी निकल जाए। हाँ, बस बता दिया है। हाँ, एसी वैसी जो चलवाना है चलवा लो उनसे। बेटा जरा एक फैन चला दो थोड़ी देर। हाँ भाई, बताओ कौन सा? एडिनल कॉर्टेक्स की मेडुला। हाँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा? कॉर्टेक्स की मेडुला। एडल मेडुला पढ़ रहे? एडल मेडुला के कितने हार्मोन? दो। दो हार्मोन, दोनों के नाम बताओ। एडनलिन और नार एडनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, नार एडनलिन का नार एपिन। दोनों को मिलाकर कैचेकोलामिन। और कैचेकोलामिन जो हार्मोन है, क्या ये हार्मोन ऑफ इमरजेंसी है? और इमरजेंसी की सिचुएशन याद रखने के लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा।
और वो एग्जाम्पल अगर याद रख लोगे तो काम बन जाएगा, याद रहेगा? लिख लिया बेटा? बताओ, इट इज 3F हार्मोन, व्हाट इज 3F? फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट, याद रहेगा? या तो लड़ो, या तो भागो, या तो याद रहेगा? तो फाइट, फ्लाइट और फ्राई, बताओ क्या क्या करता होगा? बताओ, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ती हो, रेट हार्ट रेट घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, पाइलोरी इरेक्शन होगा, पुपिल डायलेशन होगा, इसके अलावा क्या ये भी हाई हाइपरग्लाइसीमिया करेगा? ये तीसरा हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा, पहला हार्मोन था थायराइड, बोलो कौन? थायराइड हाइपरग्लाइसीमिया करता था, दूसरा हार्मोन कौन था? कॉर्टिसोल, फिर से बोलो, तीसरा हार्मोन एड्रेनलिन एंड नॉरेड, नहीं मजा आ रही, सॉरी मैं पंखा नहीं चला पाऊंगा, एसी बोलो यार, एसी यहां नहीं, बोलो बाहर जाके बोलो, बोले एसी बोलो, बोले एसी एसी एसी, यस। आप सुनो, इन दोनों ग्लैंड के हाइपो और हाइपर सिक्रीशन, पहले हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हमें मालूम है हमको हमारे हिस्से क्या लगना है, केवल और केवल बदनामी सुनना तो है नहीं, पहला कौन सा? हाइपो सिक्रीशन, फिर से बोलो, हाइपो सिक्रीशन ज्यादा कि कम? एंड दिस हाइपो सिक्रीशन इज रिलेटेड टू एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपो सिक्रीशन। और भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन निकलते थे, याद है? तीनों के नाम याद है? पहला बोलो, मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ग्लूको कॉर्टिकॉइड, पक्का? अब देखो यहां मदद करो, यहां मदद करोगे तो तुम्हें अपने आप आएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपो सिक्रीशन मतलब ज्यादा कि कम, तो इसका मतलब है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स का कम सिक्रीशन की ज्यादा, कम की ज्यादा पता नहीं, अब कुछ सोच रहे कैसे जान लेते बाकी लोग, मिनरलो कॉर्टिकॉइड, कुछ बगल में बैठा यार, तुम लोग कैसे जान लेते हो कि इसका कम है कि ज्यादा? हाइपो एड्रिनल कॉर्टेक्स मिनरलो कॉर्टिकॉइड का कम होगा, और बताओ ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स भी कम, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन भी कम। अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब आपसे पूछता हूं, अगर मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन कम है तो बताओ मुझे, जल्दी बताओ, ब्लड में सोडियम ज्यादा कि कम? वाटर कम होगा, पोटेशियम, फॉस्फेट, और इन सोडियम और वाटर की कमी से आएगी वीकनेस, क्या आएगी? वीकनेस, और ये वीकनेस होगी एक्यूट, बहुत बहुत वीकनेस आएगी। अब सुनो, अगर ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स कम है तो बताओ ग्लूकोज कम की ज्यादा? कम, अरे यार ग्लूको कॉर्टिकॉइड ग्लूकोज को बढ़ाता है, और अगर ये कम सिक्रीट हो रहा तो ग्लूकोज कम, तो हाइपरग्लाइसीमिया की हाइपो, हाइपो, तो भैया ये कमजोर भी था और इसके पास एनर्जी भी कम है। ऐसी डिसीज जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपो सिक्रीशन हो, इसका नाम है एडिसन्स डिसीज, फिर से बोलो, और बोलते हैं एडिसन्स डिसीज को पहचानने का तरीका है, एक बंदा मिले और वो आपको लगे वो काम के बोझ के तरह दबा हुआ है, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, यस बिल्कुल वैसा ही, यस सिंकारा नाम के टॉनिक का ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता, याद रखना इसी बीमारी का नाम है एडिसन्स डिसीज, ये हमेशा वीकनेस के साथ मिलेगा और इसे बहुत थकान लगेगी, बहुत थकान लगेगी, बॉडी में ब्रॉन्ज डिक्लरेशन होगा, ब्रॉन्ज जैसी डॉट, जैसे पीतल जैसी बॉडी में स्किन जैसी हो जाएगी, ब्रॉन्ज डिकलरेशन, और याद रखना क्या कम सोडियम, क्या कम वाटर, क्या ज्यादा पोटेशियम, क्या ज्यादा फॉस्फेट, क्या होगी वीकनेस, हाइपोग्लाइसीमिया की हाइपर, हाइपो, और ऐसी बीमारी का नाम
एडिसन्स डिसीज आपकी बुक में दी है, ये मत सोचना कि सर जबरदस्ती पढ़ा रहे। कौन सी डिसीज? एडिसन्स। पढ़ें? यस सर। कुछ तो घर में पढ़ो, लाओ। पेज नंबर 336, पहली ही लाइन पे लिखा हुआ है, दूसरी लाइन पे, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एडिनल कॉर्टेक्स अल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग लीडिंग टू द डिसीज कॉल्ड एज एडिसन्स डिसीज। और जो लोग वैसे लर्न कर रहे हैं वैसे कर लें, जो अपने तरीके से कर रहे हैं वो कर लें। बताओ, अगर हाइपोसिक्रीशन होगा तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम निकलेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कम निकलेंगे, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। बंदे के पास सॉल्ट भी कम, ग्लूकोज भी कम, स्ट्रॉन्ग की वीक और बेटा वीकनेस, फटीग, ब्रॉन्ज डिकलरेशन ऑफ द बॉडी एंड दिस डिसीज नोन एज एडिसन्स डिसीज। क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? पर तुमको आना चाहिए, तुमको पीछे वाले, हाँ इसके तुम्हारे बगल वाला, कौन सी डिसीज बोली? थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? कहा बनाया था? उसी एडिसन के तरह ये भी एडिसन है। नाम बताओ। एडिसन्स डिसीज, वही एडिसन है ना? याद रखना, एडिसन्स डिसीज की सिम्टम बता पाओगे? बहुत एनर्जी होगी और ये एक्स्ट्रा लो, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। हाइपर सिक्रीशन, ना सुनो मरोगे। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स, मैं जान रहा हूं मैं कैसे हाँक हाँक के बैलों की तरह तुम्हें पढ़ाता हूं। एडिनल कॉर्टेक्स का हाइपर सिक्रीशन। हे राजन, खड़े हो। अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो बताओ मिंडलो कॉर्टिकॉइड कम की ज्यादा? ज्यादा। सही बोला राजन ने, एकदम सही बच्चा है मेरा। नाक मत कटाना और लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, नहीं पूरी जायदाद से बेदखल कर देंगे तुमको। हमारे बेटे हो ना, बोले हमको बाप माना तो ये बेटे हैं, बिल्कुल बेदखल कर देंगे। किसी को भी यहाँ पर किसी को भी किसी तरीके से छेड़ना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है। मेरा नाम बदनाम होगा, कहते सर तो अच्छे हैं, औलाद बड़ी गंदी पैदा कर दी है। और किसी को परेशान नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करना, सिलेक्शन करना है। मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है। हे राजन, बताओ मिंडलोकॉर्टिकॉइड्स कम की ज्यादा? ज्यादा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी? और ये अकेली डिसीज है जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी ज्यादा और साथ में सेक्स कॉर्टिकॉइड भी ज्यादा। अगर तीसरा ज्यादा हो गया तो क्या होगा? जान रहे हो, अगर लड़के में ज्यादा लड़की का हार्मोन तो आवाज मेल जैसे कि फीमेल, और लड़की में लड़के वाला हार्मोन ज्यादा तो मूछे दाढ़ी घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाए। तो याद रखना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा, सेक्स कॉर्टिकॉइड भी ज्यादा। इस डिसीज का खाली नाम लिख लो, दिस इज नोन एज कुसिंग्स डिसीज। बोलो क्या? कुसिंग्स, कुसिंग्स डिसीज। बैठ जाओ। जैसे हाइपोसिक्रीशन से डिसीज थी एडिसन्स, इस डिसीज में है कुसिंग्स डिसीज। मैं सिम्टम पूछूं और मैंने लिखा है नहीं, बताने चाहिए तुम्हें, बता पाओगे? अगर मैंने अच्छे से पढ़ाया होगा तो तुम बता दोगे। बताओ कौन सा आयन ज्यादा? सोडियम क्लोराइड। कौन सा कम? पोटेशियम फॉस्फेट। वाटर ज्यादा। ब्लड प्रेशर ज्यादा। क्या बच्चे हैं यार। अच्छा बताओ, ग्लूकोज ज्यादा? हाइपो की हाइपर? हाइपर। और अगर कहीं पर फीमेल में मेल का ज्यादा और मेल में फीमेल, तो गड़बड़ झाला है। इस कुसिंग डिसीज में कांस्टेंट फीचर मिलता है, कांस्टेंट फैटी टिश्यू डिपोजिशन अपॉन द चेस्ट, फैटी टिश्यू डिपोजिशन अपॉन द टेस्ट चेस्ट सॉरी ऑन चेस्ट। चेस्ट में फैटी टिश्यू का डिपोजिशन बढ़ जाता है। ये अजीब तरीके के मेल होंगे
जिनके फैट, जिनकी बाकी सब जगह दुबले पतले होंगे लेकिन फैट कहाँ बड़ा होगा, चेस्ट में. एंड दैट इज नोन एज कुसिंग सिंड्रोम और कुसिंग्स डिसीज. एंड दिस इज ड्यू टू हाइपो की हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स. थैंक यू वेरी मच. एक ग्लैंड खत्म करने के लिए स्टोर किए हुए, जिसको नहीं पढ़ना है वहां से निकल जाए. ठीक है, पढ़ना है तो शोर मत करो. अरे यार एसी मेरी बटन का, मैं जेब में लेके घूम रहा हूं, जाकर के बात किया करो उनसे, मैं भी तो गर्मी में बैठा हूं. अगली ग्लैंड है पैनक्रियास. आइए ध्यान से समझने की कोशिश करिए. हमने कभी ईसोफेगस देखा है? और ये लंग्स है, स्टमक है, और स्टमक के बाद ये क्या है? डियोडेनम. डियोडेनम के बाद यहाँ पर एक बेटा डक्ट आई है, बोलो सीबीडी. व्हाट इज सीबीडी? कॉमन बाइल डक्ट. सिस्टिक डक्ट आई है? और बताओ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, याद है? बोलो क्या है? लीवर. और यहाँ पर बाल डक्ट, याद है? अच्छा बताओ यहाँ पर हमारे पास एक बेटा ग्लैंड आई है, नाम बताओ? पैनक्रियास. पैनक्रियास याद है? पैनक्रियास के पास डक्ट भी है. यस एकदम सन. इस सीबीडी को पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जोड़ दो. हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट मैंने पढ़ाया. एम्पुला ऑफ वैटर, इंस्पिंक्टर ऑफ ओराई. और मैंने तभी पढ़ा दिया था, उसी दिन पढ़ा दिया था कि पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है. पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड. और बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट ग्लैंड. कंपोजिट ग्लैंड के क्या मायने हैं? ध्यान से सुनो. हमने दो प्रकार की ग्लैंड पढ़ी है. एक होती है डक्टफुल ग्लैंड, डक्टफुल, और एक होती है डक्टलेस. जो डक्टफुल ग्लैंड है इन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन, और जो डक्टलेस ग्लैंड होती है इन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन. तो पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें डक्ट भी है और डक्ट नहीं भी है. कुछ पार्ट के लिए डक्ट है, कुछ पार्ट के लिए डक्ट नहीं है. 98% ऑफ ग्लैंड पार्ट इट इज ऑफ एक्सोक्राइन. लगभग 1-2% इट इज एंडोक्राइन. अब सुनो, जो मैं पढ़ा चुका हूं वो सुनो. एक्सोक्राइन पार्ट अपना सिक्रीशन डक्ट में डालते हैं. और अगर याद हो तो मैंने इस डक्ट का नाम बताया था, डक्ट ऑफ वेरसन. डक्ट ऑफ वेरसन, या इसी का दूसरा नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट. फिर से बोलो. और पैनक्रियाटिक डक्ट से एक जूस आता है, जूस का नाम पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस, और इस जूस का रिलेशन होता है डाइजेशन से. बोलो. और इधर से आती है सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, और दोनों मिलकर हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट खुलती है. एम्पुला ऑफ वैटर और इंस्पिंक्टर ऑफ ओराई. ये मैं आज नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये मैंने जो पहले पढ़ाया उसको याद दिलाया. बिकॉज दिस ग्लैंड हैव डक्ट एंड दैट्स व्हाई इट सिक्रीट द एंजाइम. पर एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी होती है वो अपना सिक्रीशन डक्ट में डालती है कि ब्लड में? और ब्लड में डालती है. तो इनके पास क्या है? हॉर्मोन्स. फिर से बोलो. तो बोले इसी पैनक्रियाटिक ग्लैंड में, पैनक्रियास की ग्लैंड में एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है. इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. फिर से बोलो. दीज आर नोन एज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. और ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम की सेल हैं, ये अपना सिक्रीशन कभी भी डक्ट में नहीं डालेंगी. कहां डालेंगी? ब्लड में. एंड दीज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैव द एंडोक्राइन सेल्स.
एंडोक्राइन सेल्स लगभग 1 मिलियन से 2 मिलियन सेल हैं, 1 मिलियन to 2 मिलियन सेल्स हैं जिनका नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, और जो पूरी पैनक्रियाटिक डक्ट का 1 से 2% मेंटेन करती है। और मैंने पहले लिखा दिया था 98% इज एक्सोक्राइन एंड 1 to 2% इज एंडोक्राइन। तो बताओ ज्यादातर पोर्शन जो कौन सा जूस सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक। बाकी बचा है एंडोक्राइन पोर्शन, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है उनमें है एंडोक्राइन सेल्स, बोलो क्या, और वो अपना सिक्रीशन आधे घंटे बाद आओ और एसी चलाओ, वो अपना सिक्रीशन डक्ट में डालती है कि बेटा डालती है ब्लड में, ब्लड में, और इनका नाम है हार्मोन्स, बोलो क्या नाम, हार्मोन। ये कितनी सेल हैं? 1 to 2 मिलियन, 1 से लेकर 2 मिलियन, जो पूरी पैनक्रियास का लगभग 1 से 2% पार्ट है। लगभग कितना? 1 से 2%। यहां पर कुल मिलाकर के 2 प्रकार की सेल है, मैं 3 नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने 3 नहीं पढ़ाई, वरना अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा डेल्टा में बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे लड़ते हैं, इसलिए मैं लड़ाई खत्म कर रहा हूं। ज्यादा पढ़ना हो अलग से आकर बैठ जाना, मैं पढ़ा दूंगा। यस बताओ कितने प्रकार की सेल? 2, वन इज नोन एज अल्फा सेल्स और दूसरी सेल्स हैं जिनका नाम है बीटा सेल्स। तो बताओ आइसलेट, यस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस में कितने प्रकार की सेल? 2, एक कौन अल्फा सेल, दूसरा कौन बीटा सेल। क्या किया इसने? अच्छा, तो ये अल्फा और बीटा सेल मिलाकर के पूरी कितना परसेंट बनाती हैं? 1 से 2, और इन्हीं का नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगर्स, जिनमें से अल्फा सेल, एवरीवन, अल्फा सेल एक स्पेशल हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन, फिर से बोलो, और बीटा सेल एक हार्मोन निकालती हैं, दे आर नोन एज इंसुलिन, द फेमस इंसुलिन हार्मोन। बताइए पैनक्रियास का कौन सा पार्ट? एक्सोक्राइन की एंडोक्राइन? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट का पूरा नाम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आइसलेट्स ऑफ, और आइसलेट ऑफ लैंगरहंस में कैसी सेल? एंडोक्राइन सेल्स। कितनी मिलियन? 1 से 2 मिलियन। कितना परसेंट? 1 से 2%। कितने टाइप की सेल? एक कौन अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। बीटा सेल कौन सा? इंसुलिन। ऑल दो यहां पर एक तीसरी सेल भी है, किसी को नाम मालूम है? इट इज गामा डेल्टा। यही लड़ाई से बचने के लिए एनसीईआरटी में डेल्टा, एनसीईआरटी में नहीं है डेल्टा सेल, एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं इसीलिए बचता हूं इनको पढ़ाने में। सोमैटोस्टैटिन, नाम सुना है? तो डरना नहीं कि तुम्हें नहीं आता, एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो याद रखो। कितनी सेल? 2, एक कौन अल्फा, दूसरा बीटा, और अल्फा सेल क्या निकालती है? ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन। और दोनों हार्मोन के फंक्शन सुनो, ये दोनों हार्मोन, एवरीवन, फिर से, ये दोनों हार्मोन दे एक्ट ऑन आइदर लिवर सेल्स, दैट इज नोन एज हिपेटोसाइट्स, और एडिपोसाइट्स, फैट सेल, फैट सेल, एडिपोज टिश्यू। तो ये दोनों हार्मोन दो मुख्य जगह पर काम करते हैं, या तो दोनों में से किसी एक जगह या दोनों जगह, बोलो कहां पर? लिवर सेल और एडिपोसाइट। कौन कौन से दो हार्मोन? चाहे वो ग्लूकागॉन चाहे वो इंसुलिन, कितनी जगह काम करते हैं? 2, एक कौन? लिवर सेल और एडिपोसाइट। एडिपोसाइट वो सेल्स हैं जहां पर फैट स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? फैट। अगले 15-20 मिनट के बाद तुम छूट सकते हो अगर सही ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि ये ग्लैंड बिना पढ़ाई में जाने नहीं दे सकता। मेरे पास टॉपिक है खत्म करने के लिए, और आफत है, हम बहुत लूज और रिलैक्स नहीं हो सकते, तो एक दिन में अगर एक ग्लैंड पढ़ी जाएगी तो आफत हो जाएगी, इसलिए मूड मेकअप करके आया करो कि बैठना पड़ सकता है। मैंने पहले भी बोला हटाएं। चलो कितना परसेंट सेल? चलो
कितना परसेंट सेल? एक से दो। कितनी मिलियन? कितनी टाइप? एक और अल्फा ग्रेड बीटा। अगर कोई टीचर या कोई बच्चा मिल जाए कहते हुए कि तीन सेल है, बोलो हाँ है, लेकिन हमको किससे मतलब है? दो। एक और अल्फा बीटा। तीसरी जो सेल है वो बेटा सोमेटो स्टेटिन हार्मोन निकालती, डरना मत। यस और नो? यस। बस अल्फा और बीटा याद रखना है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन और बीटा सेल से, अभी थोड़ी देर रिलैक्स करके मुझे बताओ, व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया? ब्लड में ग्लूकोज को घटाना कि बढ़ाना? बढ़ाना। थैंक यू। हाइपरग्लाइसीमिक अब तक मैं तीन हार्मोन पढ़ा चुका हूं आपको। एक कौन? थायराइड, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन एंड नार। पक्का? आज मैं चौथे हार्मोन से आपका परिचय कराता हूँ। इट इज नोन एज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। शांत रहोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए ये लीवर में कहां जाता है? लीवर। लीवर में जाकर के क्या बदतमीजी कर रहा है देखो ध्यान से। ये लीवर में जा रहा है और लीवर में स्टोर रखा हुआ है ग्लाइकोजन। बोलो क्या रखा है? ग्लाइकोजन। लीवर में ग्लाइकोजन रखा हुआ, क्योंकि ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर, याद रखना, हमेशा याद रखना। और ग्लाइकोजन को तोड़ देता है और ग्लूकोज बना देता है। इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोजिनोलिसिस। भूल गए बेवकूफों, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस करने की वजह से ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। मरे तुम ना? हाँ बताओ, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। बोले मरे सर? बोले हाँ। यस सर। इसका मतलब मैं एक डेढ़ घंटे से कुछ, दो घंटे से कुछ नहीं कर रहा हूं। ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं याद है, नाम खुद बताता है कि मैं क्या हूं। ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नया मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बेटा ग्लूकोज बनाना, इट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये एडिपोसाइट में जाएगा। कहां जाएगा? एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट में प्रेजेंट फैट को, किसको? फैट करेगा लाइपोलिसिस। फिर से बोलो, लाइपोलिसिस। और इसके अलावा ये करेगा प्रोटियोलिसिस। फिर से बोलो, प्रोटियोलिसिस। चलो सारे शब्द बोलो। ग्लाइकोजिनोलिसिस शब्द का मतलब, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलिसिस? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। एंड व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ओके नाउ थर्ड नंबर, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस। किसे तोड़ेगा? लिपिड को। और किसको? प्रोटीन। अब ध्यान सुनना, इस वजह से ग्लूकोज बेटा ब्लड में बढ़ने लगता है। अब बढ़ा हुआ ग्लूकोज कहता है मुझे सेल में जाने दो, पर ये सेल में अपटेक बढ़ाता है कि घटा देता है? घटा दे। तो डिक्रीज इन सेलुलर अपटेक। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक घटा देता है। तो जो लोग ब्लड में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सोचेंगे ब्लड में ग्लूकोज कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। लीवर से ले लो, एडिपोसाइट से ले लो, प्रोटीन से ले लो, नए तरीके से ले लो। कहाँ ले लो? हाँ, ब्लड में। इसके अलावा ये कर सकता है रीअब्जॉर्प्शन। बोलो, कहाँ से? किडनी से। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कहाँ से? इंटेस्टाइन।
तो हर हालत में ग्लूकोज घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ग्लूकागॉन ऑलवेज इंक्रीजेस द ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने वाला हार्मोन है ग्लूकागॉन। आप सुनो, ये ग्लूकागॉन अल्फा सेल से निकलता है, बीटा सेल की अल्फा सेल, अल्फा सेल। और अगर तुम धैर्य रख पाए तो इसी डायग्राम में मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, इसी डायग्राम में। अभी हमारे पास है बीटा सेल, बोलो कौन सी? बीटा सेल। और बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इट इज इंसुलिन। जो जो भी जो जो काम कर रहा है ग्लूकागॉन, उसका उल्टा। अभी सुनो तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये ग्लाइकोजन तोड़कर ग्लूकोज बनाता था, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। जेनेसिस, बोलो व्हाट इज जेनेसिस? फॉर्मेशन। लिसिस, जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन एक साथ आया, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, याद रहेगा? व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। नहीं आया? आया ना। इट विल इंक्रीज द सेलुलर अपटेक, सेलुलर अपटेक इंक्रीज कर देगा बाय एडिपोसाइट, क्योंकि एडिपोसाइट में प्रेजेंट होते हैं ग्लूट फोर, क्वेश्चन ऑफ नीट, नीट का क्वेश्चन है, बोलो ग्लूट फोर, याद है? व्हाट इज ग्लूट? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर। इस पे कौन हार्मोन एक्ट करेगा? इंसुलिन। और ये दरवाजे बंद रहेंगे, खुल जाएंगे? खुल जाएंगे। तो ग्लूकोज कहां से? ब्लड से। कहां जाएगा? कौन सी सेल? एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट में उस ग्लूकोज से बनने लगेगा फैट, दैट इज नोन एज लाइपोजेनेसिस। मरे तुम, लिपिड टूटना तो लिपिड बनना लाइपोजेनेसिस, एंड प्रोटियोजेनेसिस। फिर से बोलो, प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटियोजेनेसिस। और भाइयों बहनों, दिस इज द हार्मोन विच ऑल्सो इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस। घबरा मत जाना कि ये कभी सुना ही नहीं है, याद है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इंटू पायरविक एसिड। देखो चेहरे कितने खराब हो रहे, इतने सारे शब्द, ये सब आपकी जेब में हो सकते हैं, खुद बोल रहे। मैं क्या हूँ? लिसिस। मैं क्या हूँ? जेनेसिस। मैं क्या हूँ? जेनेसिस। मैं क्या हूँ? लिसिस। मैं क्या हूँ? लिसिस। मैं क्या हूँ? जेनेसिस। मैं क्या हूँ? जेनेसिस। तो कुल मिलाकर के ये ग्लूकोज को घटा रहा है, लीवर की तरफ भेज कर ग्लाइकोजन बना रहा है, एडिपोसाइट की तरफ भेज करके फैट बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। और इसका मतलब ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है। तो कौन है घटाने वाला? इंसुलिन। इट इज हाइपोग्लाइसीमिक, बोलो क्या? हाइपो। और ऊपर वाला हाइपरग्लाइसीमिक, नीचे वाला हाइपोग्लाइसीमिक। और कुल मिलाकर ये दोनों हार्मोन काम करते हैं तो ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम सेट होता है। और इसी इक्विलिब्रियम से हम समझते हैं कि ग्लूकोज 110 से लेकर 120 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए, यानी हर 100 ml ऑफ ब्लड में 110 से 120 ml मेंटेन रखते हैं। एक हार्मोन की दो हार्मोन, दो बोलो कौन से दोनों हार्मोन? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। एंड आई नो कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया तब तुमको कुछ नहीं आता। सी ग्लैंड उठाइए और देखिए आपको कौन सा शब्द नहीं आया। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड। व्हाट इट मींस? क्या ये मिक्स ग्लैंड है? विच एक्ट बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बेटा पढ़ लो फिर लिखा रहने दूंगा, पढ़ लो। द एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 million isolates of Langerhans in normal human pancreas, representing 1 to 2% of pancreatic tissue. Total pancreatic tissue का कितना percent? 1 to 2. Endocrine के exocrine? Endocrine. 98 exocrine. The two main type of cell in the isolates of Langerhans are called as alpha cell and beta cell.
अल्फा सेल सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड एज ग्लूकागन व्हाइल बीटा सेल इज इंसुलिन। इसमें कोई दिक्कत? तीसरी सेल दे सकते थे डेल्टा या गामा जो भी तुम पढ़ो, लेकिन उन्होंने नहीं दी बिकॉज वो कंट्रोवर्सियल हैं बहुत टीचर्स के बीच में, इसलिए एमबीबीएस में जाके पढ़ना खूब मन लगा। सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकालती है, पर बताओ कितनी हार्मोन है? दो, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागन, अल्फा से ग्लूकागन बीटा से इंसुलिन। आगे सुनो, ग्लूकागन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागन एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल, इसमें लीवर, मैंने पहले ही बोल दिया था ये दोनों हार्मोन कितनी जगह, दो, या तो लीवर या तो एडिपोसाइट, एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस। बेटा इधर देखना नहीं और मन में सोचो ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मतलब किसका? ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन टूटेगा क्या बनाएगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज घटा कि बड़ा? बड़ा। ग्लाइकोजिनोलिसिस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर हाइपर ग्लाइसीमिया। तो बताओ ये हार्मोन कैसा है? हाइपर ग्लाइसीमिक। आगे चलो, इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिखा है क्या लिखा है? यस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, कहाँ गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट द हाइपर ग्लाइसीमिया। ग्लूकागन रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। दिस ग्लूकागन इज हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। बताओ ये सेल की तरफ ग्लूकोज को भेजता है कि नहीं? नहीं भेजता। तो अगर तीन काम भी रख लिए तो काम बन जाएगा, बोलो कौन? ग्लाइकोजिनोलिसिस। मैं मरूंगा, मैं जानता हूँ क्यों पढ़ाया मैंने। ग्लाइको ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या टूटेगा? कहाँ पर? लीवर में, क्योंकि ग्लाइकोजन होता कहाँ है? लीवर में। ग्लाइकोजिनोलिसिस, इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए तरीके से ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का अपटेक कम किया, और बताओ क्या किया? लाइपोलिसिस प्रोटियोलिसिस। आगे सुनो, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। कहाँ कहाँ? हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। सेल ऑफ एडिपोसिस एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइज। पहला काम, अरे यार पहला काम ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा दे। कौन सा चैनल? ग्लूकोज। दो अलग अलग चैप्टर का पॉइंट है, बायो मॉलिक्यूल में ग्लूकोज लिखा है। इंसुलिन रेगुलेटेड है, चैनल खोल देगा। तो बताओ ग्लूकोज कहाँ से कहाँ जाने लगेगा? ब्लड से सेल जाएगा। आगे सुनो, एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये देखो ग्लूकोज टू, नाम बताओ, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये कौन करता है? हाँ ग्लूकागन। ये कौन करता है? इंसुलिन। ये कौन करता था? हाँ ग्लूकागन। ये कौन करता है? इंसुलिन। ये कौन करता था? बताओ ये कौन? इंसुलिन। ये कौन? इंसुलिन। कौन ग्लूकोज बढ़ाएगा, कौन घटाएगा? आगे लिखा, इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। द ग्लूकोज होमियोस्टेसिस ब्लड मेंटेन बाई जॉइंटली बाई टू इंसुलिन, टू इंसुलिन एंड ग्लूकागन। डायबिटीज आप तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पर मैं अभी जाने नहीं दूंगा। अरे डायबिटीज इट विल टेक 45 मिनट, उल्टी कर दोगे तुम, जितनी लिखी है उससे ज़्यादा है, और जाने की जल्दी मत करो। लिख लियो? हाँ अब बताओ, दूसरी सेल दिखाई पड़ रही है? एक अल्फा एक बीटा। मम्मी कसम है नोटबुक देखी,
बुक भी नहीं देखना, ए कौन, अल्फा, ए बीटा, अल्फा का काम ग्लूकागन, बीटा का काम, अच्छा काम बता पाओ ग्लूकागन, हाइपर की हाइपो, हाइपर चार हार्मोन जो हाइपर ग्लाइसीमिया करते बताओगे, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ग्लूकागन, कहाँ रखना है, समझ गए, डरना नहीं है। देखो जल्दबाजी कर रहे हो, हम फिर आधा घंटा बैठा लेंगे, जल्दबाजी नहीं, और ये बता के जाना है, और ये तुम्हारा होमवर्क, इन सारी चीजों की डेफिनेशन लिखना है, ग्लाइकोजिनोलिसिस सब की नोटबुक देखूंगा मैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, लाइपोजेनेसिस, प्रोटियोलिसिस, प्रोटियोजेनेसिस, इतनी सारी डेफिनेशन टिप पे होनी चाहिए, नहीं मैं माउथ मारूंगा, घूम घूम कर पूछूंगा। यस बोलो बोलो, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, लाइपोलिसिस, फैट का टूटना, लाइपोजेनेसिस, फैट का बनना, प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन का टूटना, प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटीन का बनना, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में टूटना, एंड होल्ड ऑन, ये दोनों ग्लैंड लेके जाएंगे हम लोग, पेनक्रियाज दिख रही है, बताओ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन की मिक्स, मिक्स मिक्स है, मिक्स में एक्सोक्राइन कितना पार्ट, 98, और एंडोक्राइन 1 से 2 पार्ट है, कितनी सेल, 1 से 2 मिलियन, बताओ बताओ कितने प्रकार की सेल, 2, जल्दबाजी मत करो, एक कौन, अल्फा, एक अल्फा से ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन, ग्लूकागन हाइपर, ग्लूकागन हाइपर ग्लाइसीमिया, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया, देख तो नहीं रहो, कितनी कितनी जगह काम करेंगी, 2, या तो लीवर, या तो एडिपोसाइट, या तो दोनों, पक्का एक हार्मोन पकड़े, नाम बताओ, ग्लूकागन क्या क्या करता है याद कर पाओगे, बताओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस करेगा, बताओ, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, अपटेक बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, सच में समझ में आया, गजब है भाई, अच्छा इंसुलिन आया, हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट दोनों जगह काम करेगा, अब बताओ उल्टा करेगा, अब पेट कम करेगा, कम करेगा कि बढ़ाएगा, तो ब्लड से ग्लूकोज कहाँ जाएगा, तो पहले अपटेक बढ़ा दिया, फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाएगा, ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस, और फिर ग्लाइकोजेनेसिस हो गया और अपटेक बढ़ा दिया, इसके अलावा लाइपोजेनेसिस,
ग्लूकोलिसिस बढ़ाएगा, यस और नो? तो बताओ ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा कि कम हो जाए? कम हो जाए। दोनों मिलके करेंगे, ग्लूकोज को मेंटेन करेंगे। कितना? 110 से 120 ग्राम पर ग्लूकागॉन बढ़ जाए, इंसुलिन कम हो जाए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, इंसुलिन ज्यादा हो जाए, ग्लूकागॉन कम हो जाए, ग्लूकोज का लेवल घट जाए, यस और नो? जल्दबाजी में हो? एडनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन गिन दोगे? गिन दोगे? पता ग्लोमेरुलोसा से मिनरलो पार्टी वेसिकुलेटा ग्लूको पार्टी का रेटिकुलरिस मिनरलो पार्टी का नाम याद है? नाम बताओ। एल्डो एक की बहुत सारे ग्लूको पार्टी का नाम याद है? बोलो। पार्टी सेक्स पार्टी का याद है? एंड्रोजन ईस्ट्रोजन मेडुला याद है? एक हार्मोन की दो, एक कौन? एड्रेनालिन और एक नॉन कॉर्टिसोल हाइपरग्लाइसीमिक पक्का? एपिनेफ्रिन हाइपरग्लाइसीमिया नॉर एपिनेफ्रिन पक्का? थायराइड हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।